ये वीडियो खास तौर से पाकिस्तान के सबसे बड़े गोश्तखोर मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद के लिए बनाया गया है। मुफ्ती तारिक मसूद जो कि 24 घंटे वीडियो बनाकर कहते रहते हैं गाय का गोश्त खाओ, गाय का गोश्त खाओ, गाय का गोश्त खाने से ताकत आती है। शोएब अख्तर इतनी स्पीड बॉलिंग इसलिए करता है क्योंकि वो गाय का गोश्त खाता है। हमने अभिनंदन के प्लेन को इसलिए मार गिराया और अभिनंदन को अरेस्ट करके छोड़ भी दिया क्योंकि हम लोग गाय का गोश्त खाते हैं। गाय के गोश्त की महिमा का गुणगान करने वाले मुफ्ती तारिक मसूद ओलंपिक में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमारे भारत का बेटा, भारत का बेटा, भारत का लाल नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, गोल्ड मेडल जीत कर लाया और वो गोश्त नहीं खाता है। उसका इंटरव्यू देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नीरज चोपड़ा ने कहा, दूध दही का खाना मेरा है, मैं गाय का दूध दही घी पीता हूँ, इसलिए मैंने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता। और अरशद नदीम पाकिस्तान का पांचवें स्थान पर आया। मैं अरशद नदीम का यहाँ पर मजाक नहीं उड़ाना चाहता और क्योंकि हमारी तहजीब ही नहीं है किसी का मजाक बनाना। अरे अरशद नदीम ने अपने मुल्क के लिए खेला, अपना बेस्ट दिया, पांचवें स्थान पर आया, ठीक है। लेकिन अरशद नदीम ने कहा कि मेरा आदर्श नीरज चोपड़ा है और नीरज चोपड़ा जो है वो दूध दही घी खाता है, गाय का गोश्त तो नहीं खाता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों से माफी भी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं पांचवें स्थान पर आया। और नीरज चोपड़ा ने भी ये बड़प्पन दिखाया कि मैं चाहता था कि पोडियम में अरशद नदीम भी खड़ा हो तो एशिया का मान और बढ़ता। इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़प्पन दिखाया। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद, तुम्हारा कद बहुत ही छोटा है, तुम लगातार हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को नीचे खाने के लिए कहते रहे। हिंदुओं तुम गाय नहीं खाते हो तो अच्छा करते हो, उनकी पूजा करते हो तो अच्छा करते हो, क्योंकि फिर गाय हमारे यहां आती है और हम उसे काट कर खाते हैं और हमारे अंदर ताकत आती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर चला तो नीरज चोपड़ा चला, और तुम एक मुफ्ती होते हुए भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तुमने लोगों तक आम नहीं किया। हदीस है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। तुम पाकिस्तान के लोगों को वरगलाते हो, मुसलमानों को वरगलाते हो, दुनिया के मुसलमान तुम्हारा वीडियो देखते हैं और ये सोचते हैं कि गाय के गोश्त में ताकत है, गाय के गोश्त में बीमारियां हैं। मौलाना ताहिरुल कादरी का वीडियो उठाकर देख लो, पाकिस्तान के मौलाना है, मुफ्ती है, मौलाना ताहिरुल कादरी ने इस हदीस को भरी सभा में कहा है कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। पाकिस्तान की हेल्थ टीवी में शो आ चुका है, उन्होंने भी इस हदीस को प्रमाणित किया हुआ है। और तुम लोगों को बैठकर ये बताते हो कि गाय का गोश्त खाओ और खुश रहो और ताकतवर बनो। शोएब अख्तर खुद गाय का गोश्त नहीं खाता है और तुम उसका नाम लेकर उसे बदनाम करते हो, क्योंकि शोएब अख्तर ही वो शख्स है जिसने बताया है कि पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के साथ हिंदू होने के कारण बुरा बर्ताव होता है और टीम के बाकी खिलाड़ी उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि वो एक हिंदू है। शोएब अख्तर में सच बोलने की ताकत, और सच बोलने की ताकत गाय का गोश्त खाकर नहीं आती है। गाय का गोश्त तुम खाते हो तो झूठ बोलते हो, बैठकर दिन भर मुफ्ती बनकर बैठते हो, चुटकुले सुनाते रहते हो, इस्लाम और हदीस की अच्छी बातों को बताने के बजाय चुटकुले सुनाते रहते हो। चार शादियां कर लो, गाय का गोश्त खा लो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है, शर्म करो। हमारा बेटा, हमारा भाई नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता, उसका वीडियो मैंने डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में देखना मुफ्ती जरूर कि उसने कैसे कहा है कि दूध दही घी का खाना ये है मारो हरियाणा। वो हरियाणा प्रांत का रहने वाला है भारत में, और भोजन पूरे भारत का ही है, हर जगह पूरे भारत में दूध दही घी का ही खाना है। और तब यहाँ के लोग सच बोलते हैं और तुम बात करते हो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं। तो याद रखो, वर्ल्ड कप में यदि कोई खाता भी होगा तो आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को हरा नहीं पाया है। और अभिनंदन को छोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी, अभिनंदन को रख के दिखाते, अभिनंदन को छोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि भारत एक बहुत मजबूत देश बन चुका है, याद रखना इस बात को मुफ्ती तारिक मसूद। कहते हो हमें गाय का गोश्त खाना होता है क्योंकि हमें बॉर्डर पर मुकाबला करना होता है, वाघा बॉर्डर पर अपनी मजबूती दिखानी होती है। वाघा बॉर्डर का एक वीडियो आया जहां पाकिस्तान के सैनिक के सर से पगड़ी गिर रही है, उसको संभालने में लगा हुआ है। लेकिन आप वो वीडियो फेसबुक में है, सोशल मीडिया में देखिए, हम भारतीयों ने उस वीडियो का भी मजाक नहीं उड़ाया है, हमने यही कहा। उसके नीचे सारे कमेंट पढ़िए आप, उसके नीचे किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया उससे। ठीक है, होता है, वो भी अपने देश का सैनिक है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते।
ठीक है, तो ये गंदगी करना बंद करो, गलत सलत हदीसें बताना बंद करो, सही हदीस बताओ।